आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। मैं खुद ही कहता था कि अभय सिंह चौटाला जितने वोट लेंगे उतने मार्जिन से नवीन जिंदल चुनाव जीत पाएंगे। परंतु जो पूरे देश में ट्रेंड बना, प्रो मोदी एंटी मोदी, यहाँ पर कुरुक्षेत्र लोकसभा में एंटी मोदी वोट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 8% के करीब शायद सिख मतदाता है, जट सिख मतदाता है, तो यहाँ पर जाट मतदाता किस तरफ जा रहे हैं? वहाँ की जनता ने ये कंपैरिजन किया, क्या अभय सिंह चौटाला नवीन जिंदल को चुनाव हराने में सक्षम है? तो वो खुद एक जाट समाज से आते हैं ओम प्रकाश चौटाला, और ये सरकार में थे तो इनको जाटों की पार्टी भी कहा जाता था, तो ऐसे में इनको जाट होने का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका फिर से स्वागत है। कुरुक्षेत्र लोकसभा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और जो आज के समय चर्चा का विषय बनी हुई है, हॉट सीट बनी हुई है कुरुक्षेत्र लोकसभा, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। बाकी सीटों पर जब भी बात होती है तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की ही अधिकतर बात होती है, लेकिन कुरुक्षेत्र एक ऐसी लोकसभा है जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल, कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि ओवरऑल इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुशील गुप्ता, और इंडियन नेशनल लोकदल के सबसे बड़े लीडर अभय सिंह चौटाला के बीच में। कुरुक्षेत्र लोकसभा में खास बात यह है कि अभी तक जितने बार भी लोकसभा का चुनाव है, जाट कभी भी यहां से इलेक्ट होकर के संसद नहीं गया हुआ है, और साथ ही ये एक ऐसी लोकसभा है जहाँ सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो जाट मतदाता है। ऐसे में दो बनिया कम्युनिटी से और एक जाट प्रत्याशी मैदान में है, कौन जीतेगा, क्या समीकरण बन रहे हैं और कुरुक्षेत्र का रण क्या कहता है, चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिर से हाजिर हैं जोगिंद्र कथूरिया जी। इनसे बात करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के समीकरणों के बारे में और कौन आगे कौन पीछे, आज का क्या हाल है। तो कथूरिया साहब, आपका स्वागत, और साथ ही हमें बताएं कि कुरुक्षेत्र के रण में कौन महारथी आगे है, क्या समीकरण बन रहे हैं? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार फिर मुझे अपने चैनल पर समय देने के लिए। कुरुक्षेत्र में जो हवा है, कुरुक्षेत्र की हवा का रुख बदल चुका है। मैं स्वयं लगातार वहाँ कुरुक्षेत्र में सर्वे कर रहा था, तो पहले ऐसे हालात लग रहे थे कि नवीन जिंदल जी चुनाव मैनेज कर जाएंगे, आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। मैं खुद ही कहता था कि अभय सिंह चौटाला जितने वोट लेंगे उतने मार्जिन से नवीन जिंदल चुनाव जीत पाएंगे। परंतु जो पूरे देश में ट्रेंड बना, प्रो मोदी एंटी मोदी, यहाँ पर कुरुक्षेत्र लोकसभा में एंटी मोदी वोट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जो एंटी मोदी वोट है वो अभय सिंह चौटाला की तरफ ट्रांसफ़र ना होकर सुशील गुप्ता की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। और मुझे आज की परिस्थिति में ये लग रहा है कि सुशील गुप्ता जी ये चुनाव आज की परिस्थिति में जीत रहे हैं, भविष्य में फिर परिस्थितियां चेंज हो जाएं तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। तो कथूरा साहब, यहाँ मैं एक दो आपसे सवाल जरूर जानना चाहूँगा। समीकरण, सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, करीब 15% जाट और 4% के करीब शायद सिख मतदाता है, जट सिख मतदाता है, तो यहाँ पर जाट मतदाता किस तरफ जा रहा है? देखो, जाट मतदाताओं का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 65-70% सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी की तरफ जा रहा है। वो मैं बता रहा हूँ कि जाट और जट सिख इन्हें आज की परिस्थिति में एंटी मोदी वोट माना जाता है, और वो ये देख रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल को कौन हराने में सक्षम है। तो जब वहाँ की जनता ने ये कंपैरिजन किया, क्या अभय सिंह चौटाला नवीन जिंदल को चुनाव हराने में सक्षम है, तो वहाँ के लोगों के जो मूड में दिखाई दिया कि नहीं, सुशील गुप्ता जी
जिन्होंने अपना चुनाव प्रचार का बीजेपी के प्रत्याशी से भी पहले आरंभ कर दिया था, और आप जो आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार की नीति है उसे दिल्ली और पंजाब में बखूबी देख चुके हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब और साथ में पूरे हरियाणा की टीम कुरुक्षेत्र में लगाई हुई है, जिसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है, और जो उन्होंने पहले चुनाव प्रचार आरंभ किया था उसका फायदा अब दिखाई दे रहा है। कथुरिया साहब, यहाँ दो पेच हैं जो जाट मतदाताओं के बयान आपने कहा। एक तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी यहाँ पर हैं अभय सिंह चौटाला, वो खुद एक जाट समाज से आते हैं, ओम प्रकाश चौटाला और ये सरकार में थे तो इनको जाटों की पार्टी भी कहा जाता था, तो ऐसे में इनको जाट होने का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरा मेरा सवाल, गुरनाम सिंह चड्ढा, जो किसान आंदोलन की आपने बात की, गुरनाम सिंह चड्ढा ने भी इंडियन नेशनल लोकदल प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला को समर्थन अनाउंस किया है, तो उसके बावजूद भी बड़ा जो सेगमेंट है वो अभय सिंह चौटाला की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा। देखो, पहले आज से कुछ साल पहले तक नेता जनता को जिस ओर मोड़ते थे उस ओर जनता मुड़ जाती थी। आज जो जनता अपने विवेक से काम लेती है, बहुत सारा समाज पढ़ा लिखा है और वो अपने विवेक से काम लेते हैं, और उनके विवेक में मुझे ये दिखाई दिया। और एक मैं अभी कैथल और थानेसर में गया, वहाँ के जो आड़ती हैं, बनिया व्यापारी हैं, वो नरेंद्र मोदी से इस बात से नाराज़ हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जो शराब घोटाले के अंदर किया और आज तक इंट्रीम बेल भी नहीं मिल पाई। इस बात को लेकर बनिया वैश्य समाज में काफ़ी नाराजगी है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि चूंकि नवीन जिंदल और आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सुशील गुप्ता दोनों ही बनिया समाज से हैं, तो जो बनिया समाज, क्योंकि वो सिर्फ वोट की बात नहीं है, उनके पास पैसे की ताकत भी होती है, अपना एक प्रभुत्व होता है, तो ज्यादा वो नवीन जिंदल को सपोर्ट कर रहे हैं या सुशील गुप्ता को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका कारण क्या है? आज की परिस्थिति में तो वो सुशील गुप्ता को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो केजरीवाल वाले जन, आपने बताया केजरीवाल बनिया समाज से आते हैं और बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर हैं भाई, बहुत बड़ी आवाज है, उनको जेल में डाल रखा, ये समझ में आता है, और क्या कारण है? दूसरा कारण, 2016 से नोटबंदी के बाद आज तक जो व्यापार है वो उस तरीके से उभर नहीं पाया। फिर GST टैक्स भी जो बनिया वैश्य समाज का व्यापार को प्रभावित कर रहा है, उसके बाद ED और इनकम टैक्स के छापों से लगातार वैश्य समाज परेशान है। ये सभी बातें, इसका एक कारण और मुझे, मैंने भी कुरुक्षेत्र में बात की है लोकल रिपोर्टर से, तो उन्होंने कहा कि जब सुशील गुप्ता का नाम अनाउंस हुआ गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे, तो उन्होंने बनिया समाज की कुरुक्षेत्र के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में बनिया समाज ने नवीन जिंदल से बाकायदा पूछा था कि ये प्रत्याशी यहाँ पे आ रहा है, अगर आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे आप हमें अभी क्लियर बता दीजिए, उसी हिसाब से हम अपना समर्थन अनाउंस करेंगे। उस समय नवीन जिंदल ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन बाद में जिस तरीके से उनको ज़बरदस्ती चुनाव में लाया गया, प्रत्याशी बनाया गया, वो सब हमारे सामने है, तो इसीलिए भी बनिया समाज कह रहा है कि हमने कमिटमेंट ऑलरेडी कर दिया है, इसीलिए नवीन जिंदल की तरफ बहुत कम बनिया समाज का सपोर्ट है। ये भी कारण है। आपको एक और बात बता दो, जो बनिया समाज है उनके साथ बहुत सारे समाज के लोग जुड़े होते हैं व्यापार के कारण, उनके पास जो कारिंदे होते हैं वो कई अलग अलग समाज से हो सकते हैं, वो उनको भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसका फायदा सुशील गुप्ता को मिल रहा है और वो वोट नवीन जिंदल के अगेंस्ट जा रहा है। तो मुझे ये बताइए, जितना अभय सिंह चौटाला स्ट्रॉन्ग होगा उसका फायदा सुशील गुप्ता को होगा या नवीन जिंदल को होगा? देखो, फायदा तो उसका नवीन जिंदल को होगा, परंतु एक पीक के बाद रिसेशन आरंभ हो जाता है, जो अभय सिंह चौटाला का चुनाव उठकर वापस गिरना आरंभ हो गया है, उसी के कारण सुशील गुप्ता इस चुनाव में
नवीन जिंदल से ऊपर निकला। कथुरे साहब, इसमें एक कारण और भी है जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मेरी रिसर्च है उसमें कारण एक ये है कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा चुनाव है उसके जस्ट के बाद कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव भी हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट विधानसभा चुनाव में रहता है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आज के दिन इंडियन नेशनल लोकदल का सिर्फ एक MLA है और दोबारा से रिवाइव करना इस पार्टी का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि परिवार में भी फूट है, संख्या भी नहीं है, और अगर दो परिवार भी जिस हिसाब से डिवाइड हैं वो मिलने के कोई चांसेस नहीं है, और कांग्रेस पार्टी दोबारा से 10 साल से सरकार से बाहर है तो वो आने के उसके पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो इसीलिए अगर गठबंधन के प्रत्याशी को वो वोट देते हैं एक तरह से वो सरकार में भी हिस्सेदारी डालते हैं। देखो, एक प्रभाव और पड़ा है, 3 निर्दलीय विधायकों का भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना, जिसमें से एक कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत पुंडरी विधानसभा के अधीर गोलन भी जी, उनका अपना अच्छा खासा प्रभाव है, वो वोट अब भाजपा से कांग्रेस की तरफ, इंडिया अलायंस की तरफ मूव हुआ। दूसरा, कल ही कैथल विधानसभा के 40 सरपंचों ने सुशील गुप्ता को अपना समर्थन दिया। एक बहुत बड़ी बात है कि रूलिंग पार्टी डबल इंजन सरकार के खिलाफ 40 सरपंच सुशील गुप्ता को अपना समर्थन दे रहे हैं। अनिल विज तो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन एक खट्टर को भी मिला दीजिए, मतलब ये एक मोदी और एक नायब सिंह सैनी और खट्टर सुपर सीएम। देखो, एक और चीज मैं जो शायद वो कटाक्ष था, वो अप्रिसिएशन की वजह कटाक्ष था वो, जो भी माने, हमेशा से ही नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। वो किसी भी हाल में नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनना, वजीर बनना नहीं, स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने। अच्छा, एक रामकरण काड़ा भी है JJP के विधायक, वो भी बागी चल रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं। उन्होंने कल ही स्टेटमेंट जारी की है कि मैं जल्द ही कांग्रेस का समर्थन करूंगा, तो इसका फायदा भी सुशील गुप्ता को मिलेगा। और जो शाहबाद विधानसभा है वहाँ पिछली बार भी भाजपा के खिलाफ एंटी इनकमेंसी थी, इसलिए भाजपा के जो मंत्री होते थे किशन बेदी बहुत बड़े मार्जिन से रामकरण काला से हार गए थे। अब रामकरण काला JJP और जो BJP का अलायंस था वो टूट चुका है, उनको एंटी BJP वोट मिला था, अब वो यदि कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से, या कांग्रेस अलायंस के प्रत्याशी हैं जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सुशील गुप्ता, वो शाहबाद विधानसभा से अच्छे। तो मैं आपको जो 9 विधानसभाएं आती हैं कुरुक्षेत्र में, विधानसभा वाइज आपसे पूछ लेता हूं कि इन 3 प्रत्याशियों में से कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड पे, कौन थर्ड पे है। 9 की 9 विधानसभाओं में एक बात क्लियर कर दूं, फर्स्ट और सेकंड की चर्चा करेंगे, 9 की 9 विधानसभाओं में जी, तीसरे नंबर की पोजीशन तो ऑटोमेटिकली जी। तो लाडवा में बताएं, लाडवा में परिस्थिति बदली है, मुझे अब सुशील गुप्ता जी आगे बढ़ते दिखाई दे। कारण एक तो संदीप गर्ग जी, जो कि जिन्होंने BJP को समर्थन दिया था, उसके बावजूद ED की रेड लगी, उनके जो समर्थक हैं वो BJP से नाराज हैं, और बनिया समाज होने के कारण वो सुशील गुप्ता। शाहबाद से रामकरण काला का अच्छा प्रभाव है, पहले ही NTBJP हल्का है, वहाँ पर मुझे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर थानेसर पहले अच्छी खासी बढ़त थी, अब थानेसर में भी परिस्थिति बदल चुकी है, नेक टू नेक फाइट मिलेगी। एक और फैक्टर सुशील गुप्ता की फेवर में जाता है, वहाँ से अशोक अरोड़ा संबंध रखते हैं और अशोक अरोड़ा बहुत प्रभावी नेता है। हाँ बिल्कुल, अशोक अरोड़ा पंजाबी समाज में बहुत अच्छा प्रभाव है, वो INRD के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पहले INRD की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, पर वहाँ का जो बनिया वर्ग है वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, नाराज है, और वहाँ पर अगर सुशील गुप्ता जीत जाएं तो हैरानी मत मानना। बाकी लिटिल बिट एज पर भाजपा पेवा सीट पर भी नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि संदीप सिंह के प्रति एंटी इनकमेंसी है,
संदीप सिंह को डिफेंड करने की बहुत कोशिश की यहाँ भाजपा ने, इसका नुकसान भाजपा को हुआ। यदि वहाँ सुशील गुप्ता बढ़त बना जाए तो हैरानी। रादौर सीट पर आज की परिस्थिति में जो सैनी वोट तो वो भाजपा की तरफ मूव हुआ है, नॉन जाट कम्युनिटी का कुछ वोट भाजपा को आ रहा। आपने जो एक सैनी की बात की उसमें मैं बताऊंगा, थानेसर में मेरी किसी गांव से बात, एक हमारे रिपोर्टर है वहां पे, वो एक गांव से संबंध करते हैं थानेसर में, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में 1400 वोट है जिसमें से 1150 सैनियों की वोट है और हमारे गांव में सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल में से डिवाइडेड है। तो मेरा अगला सवाल ये था कि चीफ मिनिस्टर सैनी का सैनी समाज से है, तो अब तो आप लोगों की मैक्सिमम वोट बीजेपी को जाने चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, बहुत नाराजगी है लोगों की, जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उससे लोग परेशान हैं, महंगाई से भी परेशान हैं, और पिछले दिनों जिस तरह के डिसीजन लिए गए हरियाणा सरकार ने, लोग परेशान हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि सैनी समाज जो है एक, पूरा का पूरा एक सबसे बड़ा जो कारण है, जाट कम्युनिटी के बाद सबसे बड़ा किसान वर्ग सैनी समाज जी, बहुत ज़्यादा खेती पर निर्भर है। और जो ये 3 कृषि कानून आए थे इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ किसान वर्ग पर। यही कारण है कि अभी भी सैनी समाज जो है, भले ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया हो पर पूर्णतः संतुष्ट नहीं जी। गुहला सीट पर भी एंटी बीजेपी वोट बहुत ज़्यादा है। पिछली बार यहाँ आप देखिए जेजेपी के ईश्वर सिंह जी जीत गए थे और वो एंटी बीजेपी वोट डला था, अब वो वोट कांग्रेस इंडिया अलायंस की तरफ खिसक कर आ रहा है। गोला से मुझे एज सुशील गुप्ता कलायत सीट में सुशील गुप्ता से मेरी बात हुई, वो अपने आप को 50,000 से ज़्यादा मार्जिन से जीता हुआ बता रहे थे, परंतु जब मैं ग्राउंड पर गया तो जीत सुशील गुप्ता ही रहे हैं, पर वो जीत लगभग 30,000 वोटों की। तो कलायत में जेपी का ही फर्क पड़ेगा क्योंकि जेपी का इलाका भी, हाँ, जयप्रकाश जेपी का भी इलाका है, तो जयप्रकाश जेपी का खुद का गांव कलायत से आता है, तो वो भी फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो भी फर्क पड़ेगा। और ऐसे तो INND के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामपाल माजरा जी की भी वहाँ साख नाव पर है, अपनी तरफ से मैक्सिमम वोट जो कैथल शहर से एज भाजपा को जाएगा, पर मार्जिन बड़ा नहीं रहने वाला। वहाँ भी बनिया समाज एंटी बीजेपी वोट। और पुंडरी के बारे में तो हमने बात की, लेकिन फिर भी आपको क्या, पुंडरी में आज की परिस्थिति में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सुशील गुप्ता, तो 9 विधानसभा में से आप क्या कहते हो कितनों में बीजेपी है, कितनों में प्रत्याशी गठबंधन का प्रत्याशी आ गए? मुझे कैथल, थानेसर, इन दो ही विधानसभा तो क्लियर कट है, इसमें तो आगे बीजेपी आगे रहेगी, एज पर बीजेपी रहेगी, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से, लेकिन फिर भी एज भी है। बाकी सभी विधानसभाओं में कांटे का मुकाबला है। कलायत जिन विधानसभाओं में यहाँ एक तरफा सुशील गुप्ता जीत रहे हैं उसमें आज की परिस्थिति में पुंडरी और कलायत बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रहा है, शाहबाद एक तरफा दिखाई दे रहा है। जहाँ नेक टू नेक फाइट होगी वो लाडवा और रादौर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ सैनी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। फिर भी मुझे लगता है अंत में चुनाव आते आते वो बीजेपी की तरफ जी। तो कुदरी साहब, इसमें मैं एक दो और, कई बार जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो कुछ एक साथी कमेंट करते हैं कि आप लोग जो भी विश्लेषण करते हैं जातीय समीकरण के हिसाब से रखते हैं, लेकिन ऐसा कभी, लोगों का ये कहना है कमेंट करके कि ऐसा कभी नहीं होता कि सारे के सारे वोटर सिर्फ जाति समीकरणों के हिसाब से वोट करें। जरूरी नहीं जाट प्रत्याशी तो जाट को ही वोट करे, जरूरी नहीं बनिया को करे, वो अच्छे कैंडिडेट और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जाति आधारित ये कर रहे होते विश्लेषण तो मैं जाट समाज के अधिकतर वोट सुशील गुप्ता को क्यों बताता। ये एंटी बीजेपी वोट है, एंटी बीजेपी वोट जो बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी की तरफ ज्यादा। तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आजकल प्रो मोदी और एंटी मोदी पूरे देश में यही परिस्थिति बन चुकी है, तो यही भाजपा के अगेंस्ट। तो कुरुक्षेत्र के रण में कौन जीतेगा ये तो 4 जून को ही पता लगेगा और 25 तारीख को वोटिंग है। हाँ, आज की परिस्थिति में सुशील गुप्ता आगे निकल चुके हैं, पछाड़ चुके हैं, और मुझे लग रहा है 50,000 से 1,00,000 के बीच सुशील गुप्ता आज की परिस्थिति में आगे हैं।
मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 1,00,000 से वो, और उसके बाद चुनावों तक यदि हालात बदलते हैं सुशील गुप्ता पिछड़ भी सकते हैं, अपनी लीड को बढ़ा भी सकते हैं, लीड इतनी मेंटेन हो सकती है। और मुझे जो एक चीज़ विशेष लगी कि अभय सिंह चौटाला का चुनाव एक बार बढ़ता हुआ 1,25,000 से 1,50,000 मतों तक गया था, फिर वो प्रतिदिन घटना आरंभ हो गया है, जो उनका वर्कर्स का उत्साह है वो भी कम पड़ा। तो जैसे अब गुरुराम चडूनी ने, गुरुराम चडूनी की वाइफ ने भी चुनाव लड़ा, शायद 3-4 हज़ार वोट ही आए थे। ऐसे तो पूरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन्होंने मराठा वीरेंद्र को समर्थन देके वहाँ रोड बिरादरी के वोट अपनी तरफ करने की जो भरसक प्रयास किया, और इसका आप नुकसान किसे मानते हैं? मैं तो ये मान रहा हूँ कि रोड बिरादरी का वोट यदि अभय सिंह चौटाला को जाता है तो इसका नुकसान भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जी, तो ये थी हमारी कुरुक्षेत्रा के रन के बारे में चर्चा, और ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये सिर्फ हमारा आकलन है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटी अगर आप खुद जाओ तो थोड़ा बहुत आपको 19-21 मिले, क्योंकि सब किसी, हर किसी का अपना देखने का एक नज़रिया होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।